फॉरेस्ट ऑफिसर का वैकेंसी निकाली गई है। कैसे इसमें ऑनलाइन अप्लाई करनी है, क्या एजुकेशन चाहिए, इस फॉर्म से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2024 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। देन यहाँ पर हम सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर जो फॉरेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और फर्स्ट नेम जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 37 है और अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। आप अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, जो भी आपके पास सिस्टम हो, आप उससे इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ऑफलाइन जो फॉर्म होती है उसमें बाय पोस्ट या मेल करनी होती है, तो ऐसा इसमें नहीं है, ये ऑनलाइन ही अप्लाई होने वाली है। अब हम सैलरी का बात कर लेते हैं। तो सैलरी 27,500 से स्टार्टिंग है और 56,100 तक ये जाती है। अब हम एज लिमिट का बात कर लेते हैं। तो मिनिमम जो एज होता है 18 ईयर और मैक्सिमम जो एज होता है 30 ईयर, यानी कि 30 ईयर तक आपका एज है, फिर भी ही इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर छूट भी मिलता है। अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 ईयर का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। अगर आप OBC से आते हो तो 3 ईयर का छूट मिलेगा। अगर आप जनरल से आते हैं तो यहाँ पर कोई भी आपको छूट वगैरह नहीं मिलने वाली। अब एप्लीकेशन फ़ी का बात कर लेते हैं। जनरल OBC के लिए 370 रुपया रखा गया है, SC ST के लिए 250 रुपये रखा गया है। अप्लाई ऑनलाइन करना है, सॉरी पेमेंट ऑनलाइन करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं। तो आप मिनिमम 10th पास है फिर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और 12th पास है फिर भी अप्लाई, यानी कि 12th पास है तो आप थोड़ा अपर लेवल के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग वैकेंसी है तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा, फिर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अब हम समझते हैं कि यह फॉर्म वैकेंसी कब निकाली जाएगी। तो ये इसका जो डेट है 15 अगस्त को यह वैकेंसी निकाली जाएगी, और सॉरी 15 अप्रैल को यह वैकेंसी निकाली जाएगी और 5 मई तक इसका फॉर्म का डेट रहेगा। तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन आप देख लीजिएगा इस वैकेंसी को समझ करके। फिर यहाँ पर डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से सारी चीज़ आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो में सारी जानकारी नहीं दे पाते। सो आप यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद सारी चीज़ को रीड कीजिए, देन आपको लगता है कि नहीं इसमें अप्लाई करना चाहिए, फिर अप्लाई फॉर्म को कीजिए। और अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आता है या अप्लाई आप नहीं कर पा रहे, सो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई मिलेगा कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपको बताया जाएगा। तो आप फिर कभी यहीं पर समाप्त करते हैं।